जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि आज मेराज की रात है और इस्लामी तारीख में, इस्लामी फ़लसफ़े में, बल्कि अंबिया की तारीख में, रसूलाने गिरामी की तारीख में, बल्कि बनिए नौए इंसान की जुमला तारीख में आज की रात को ऐसा शरफ, ऐसी बुजुर्गी हासिल है जैसी किसी रात को हासिल नहीं। और आज की रात में जहां एक तरफ हम मेराज और मेराज की बारीकियां, मेराज के असरार और रमूज, मेराज का उरूज, मेराज की तरक्की के वाक़यात सुनते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, वहीं आज की रात नमाज की सालगिरह भी है। आज ही की रात नमाज मिली थी और नमाज की फर्जियत मिली थी, नमाज भी मिली थी, नमाज की फर्जियत भी मिली थी। और सिर्फ नमाज और नमाज की फर्जियत नहीं मिली थी, आज ही की रात ये फैसला भी हो गया था कि नमाज के नतीजे में अल्लाह ताला उम्मते मुहम्मदिया अला साहिबह सलात व तस्लीम को क्या क्या देने वाला है। यानी आज की रात इनाम भी मिला था, इनाम की कदर व कीमत भी मिली थी, और इनाम के नतीजे में जो इनामात मिलते हैं उसका दफ्तर भी आज ही खुला था। हमारे यहां मतमहे नजर और जाविया नजर का बड़ा बड़ा दाव खेल है। कोई तो इस चक्कर में पड़ जाता है कि आज की रात की अहमियत कहां पर बयान हुई है, कोई इस चक्कर में पड़ जाता है कि क्या इस रात के सिलसिले में कभी कोई एहतमाम हुआ था, किसी ने किया था एहतमाम कि हम भी करें। और कभी यह सवाल उठ जाता है कि मेराज ख्वाब में हुई थी कि जागते में हुई थी, बेदारी में हुई थी या खाबीदा हालत में हुई थी। ये वो सवालात हैं जो उम्मत में मुंतशिर किए जाते रहते हैं, फैलाए जाते रहते हैं। फिजा को आलूदा करने के लिए ऐसे सवालात दिन रात उठाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि ये इश्काल, शक शुभा, वसवसा पैदा कराना कुछ लोगों का खास वस्फ है। जाहिर है कि जिस रात में इतना बड़ा एहतमाम किया परवरदिगार ने कि सही अहादीस से, कुरान की आयात से यह साबित हो गया कि आज जो जिब्राइल अंजाम दे रहे थे वो ना इससे पहले कभी अंजाम दिया था ना इसके बाद अंजाम देंगे, तो अब किस एहतमाम की आपको तलाश है? अल्लाह ने तो एहतमाम करा दिया, जिब्राइल ने उस एहतमाम को बरत दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो एहतमाम किया गया, तो अब किस एहतमाम की आपको तलाश है जिसके नतीजे में आप अमल कीजिए? दूसरे ये कि क्या कुरान और हदीस में ऐसा कोई बाब बांधा गया है कि किस किस रात का एहतमाम किया जाए? और जब ऐसा बाब नहीं बांधा गया, इस उन्वान से गुफ्तगू नहीं की गई, तो इसके मतलब हुए कि आपको फहम, समझ के एतबार से दीन का मकसद है बालिग नज़र बनाना। और जब आप बालिग नज़र हो जाएंगे तो जो चीज़ खोल के नहीं बयान की गई है वो आपके कलेजे में खुल जाएगी, वो आपके जहन में खुल जाएगी, वो आपके दिमाग में खुल जाएगी, वो आपके अमल के ज़रिए वाज़े हो जाएगी। याद रखिए कि जिन तारीखों पर आज मिल्लत इस्लामिया का 1400 साल से अमल है, उनमें से अक्सर तारीखें वो हैं जो इजमा के नतीजे में अमल में आई। 12 रबीउल अव्वल को सरकार दो आलम की विलादत का जश्न। मुमकिन है कि कोई आदमी कहे कि साहब 12 तो मेरे नज़दीक साबित नहीं है, कोई कहे हाँ 12 के बारे में कई रिवायात हैं,
कोई कहे नौ के बारे में ज्यादा रवायात है, सब बात सही है, कोई तहकीक को काटा नहीं जा रहा है, लेकिन बारह इसलिए सही है, इसलिए मोतबर है, इसलिए मकबूल है कि उम्मत के बड़े तबके ने बारह पर इत्तेफाक कर लिया है। और ये सीखा जाना चाहिए कि जिस चीज पर उम्मत मुत्तफिक हो जाए अमल उसी पर होगा, तहकीक जिसको जो करनी है करता रहे, दरवाजे तहकीक बंद नहीं होगा, तहकीक का दरवाजा खुला हुआ, आप मेहनत कीजिए, तलाश कीजिए, खोजते रहिए, नया नया सबूत लाइए, नई नई दलील लाइए, करते रहिए, आपको मना नहीं किया जाएगा, आपके लिए दरवाजा खुला रहेगा। लेकिन जब अमल की बारी आएगी तो हमारी 1400 साल विरासत ने यह फैसला कर दिया है कि अमल उसी पर होगा जिस पर उम्मत मुत्तफिक हो गई है। ठीक यही हाल इसका भी है, बहुत से लोग बोलते हुए और लिखते हुए आपको नजर आएंगे कि यह तय नहीं है कि मेराज किस रात में हुई, यानी उनके नजदीक ये बात अटल नहीं है कि 27 रजब ही की तारीख थी या कुछ और तारीख भी थी। कोई कहेगा रबी अव्वल में हुआ था, मेराज का वाकया कब हुआ था, रबी अव्वल में हुआ था। कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो रमजान में हुआ था। भैया आप कहते रहिए, आप तहकीक करते रहिए, आप लिखिए, पढ़िए, रवायात को छानिए, फटकिए, इन सब की इजाजत है, लेकिन खबरदार उम्मत का अमल जिस तारीख पर 1400 साल से मुजतमे हो गया है उसको बर्बाद करने का ना आपको हक है, ना इख्तियार है, और ना इसकी इजाजत आपको दी जा सके। बहुत से लोग कहेंगे कि इसको मनाना, इस दिन को और इस रात को कुछ एहतमाम करना, इसका सबूत कहां से है? ये सबूत तलाश करने की जिद अच्छी तो है, लेकिन सबूत के तलाश करने के नतीजे में आदमी हिकमतों को भूल जाता है, मसलहतों को भूल जाता है। कोई काम किस हिकमत के तहत हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारी 1400 साल मीरास ने जिस लिए ये फैसला लिया, उसको अगर आप नहीं समझ सके, आपकी नजर उन मसलहतों पर नहीं है, आपकी नजर उन हिकमतों पर नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप सबूत खोजने में कभी कामयाब नहीं हो पाइएगा। मैं एक सवाल हाजरीन से भी करना चाहता हूं और पूरी आलमे इस्लाम से भी करना चाहता हूं, अगर आज ये एहतमाम ना होता तो मेराज की रात कब होती ये कौन जानता? हमारे बुजुर्गों ने यह फैसला लिया कि 27 रजब की रात को मिल्लत आलमी सतह पर मेराज की रात को याद करेगी। और सूफियाए किराम, औलिया अल्लाह, मुख्तलिफ सिलसिलों के सूफियाए किराम, मुख्तलिफ मसालिक के सूफियाए किराम, हनफी सूफिया, हम्बली सूफिया, मालिकी सूफिया और शाफई सूफिया, इनका अमल मिलकर 27 रजब की रात के एहतमाम को, एहतमाम भी कैसा, वो एहतमाम नहीं जो आजकल हम करने लगते हैं कि जलूस निकाल दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया जो धीरे धीरे अगर आपके हाथ से निकल के दूसरे के हाथ में चला जाए तो सिवाय अफसोस और शर्मसारी के कुछ ना हो। सूफियाए किराम ने क्या किया? ऐसी रवायात को पेशे नजर रखा जिसमें जिक्र इलाही में इजाफा हो जाए, यह पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जिससे तौहीद का सबक मिले, जिससे अल्लाह सुबहानहू ताला के जिक्र में इजाफा हो जाए। क्या करना है? तो नमाज पढ़नी है, नवाफिल का एहतमाम करना है। तो क्या करना है? दरूद पाक पढ़ना है। इन सब के पीछे मसलहत एक थी,
कि मेराज हकीकत है, और अगर उसका रिश्ता कैलेंडर से टूट जाएगा, तवज्जो चाहता हूँ, मेराज का रिश्ता अगर आपके कैलेंडर से, मेरे कैलेंडर से टूट जाएगा तो ये एक दिन मिथ बना दिया जाएगा। मिथ, मिथ कहते हैं ऐसी बात को जिसकी जड़ ना हो, ऐसी हकीकत को जिसके पीछे कोई सबूत ना हो, हवा में हो, ख्याली हो, मसनूई हो। जाहिर है कि कोई चीज हुई थी तो उसका रिश्ता कैलेंडर से होगा। आप कोई भी घटना का तस्किरा कीजिए, आज की हो या कल की हो, अगर घटना अपने साथ तारीख नहीं रखती और वो तारीख कोई अहमियत नहीं रखती तो घटना पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हुई थी कि ना हुई थी। इस सवालिया निशान से हमारे असलाफ ने 1400 साल हमारी मीरास में पूरी मिल्लत को महफूज कर दिया कि ये सवालिया निशान के वैकूम से पाक रहेगा। आप कह सकते हैं कि जब सबूत नहीं था तो इतने यकीन के साथ ये काम क्यों किया गया। मैं इसकी तरफ भी एक इशारा कर दूं, मेरी गुफ्तगू जरा भारी पड़ रही है, लेकिन अगर दो चार दस बार आप सुनिएगा तो मेरी गुफ्तगू की मसलहत समझ में आएगी। अब एक हिकमत बड़ी अहम, शबे कदर की अहमियत तो मुसल्लम है, मुसल्लम तो शबे मेराज भी है, लेकिन कुछ लोगों को मुसल्लम भी आधा नजर आता है, तो खैर उनके नजदीक अगर शबे कदर की अहमियत कुरान और सुन्नत से उन्हीं के तयकरदा मेयार के मुताबिक पूरी उतरती है तो उन्हें यह बताना चाहिए कि शबे कदर का तायुन अल्लाह ताला ने उम्मत से पोशीदा क्यों कर दिया। शबे कदर अहम है लेकिन कब है, लेकिन कब है? 21 को है, 23 को है, 25 को है, 27 को है, कि 29 को है, कि उससे भी पहले 17 को है, कब है? 19 को है, कब है? मुसल्लम अगर है तो तायुन गायब है, और क्यों गायब है यह भी जान लीजिए। हदीस पाक से हमें पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तायुन के मख्फी होने को जाहिर करने के लिए बरामद हुए। काहे को बरामद हुए सरकारे दो आलम? इसलिए तशरीफ लाए कि उम्मत को बता दें कि शबे कदर कब है, 21 को है कि 27 को है। नीयत से निकले, और जब निकले तो देखा कि उम्मत के कुछ लोग आपस में बहस करने में मसरूफ है, ये सही है ये गलत है, ये गलत है ये सही है। कुछ लोग उम्मत के किसी मौजू पर आपस में एक दूसरे को काटने में, बहस में, मुनाजरे में मशगूल हैं। सरकार दो आलम आए थे तारीख बताने, इस बहस को देखकर तबीयत मुकद्दर हुई और अल्लाह ताला ने हुजूर के जहन से शब कदर के तायुन के जाहिर करने को हटा दिया। दिले पाक से वो चीज हटा दी गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत के मुकद्दर होने की वजह कर वो राज ना खोल सके। अब जरा ठहर के एक बात सुनिए, अगर अहमियत मुसल्लम हो तो इख्तलाफ से पोशीदा हो जाती है। इससे एक बात समझ में आई कि जर्रा बराबर भी अहमियत हो तो इत्तेफाक से मुकम्मल हो जाती है। बात समझ में आई? जर्रा बराबर भी अहमियत हो, ठीक है आपके नजदीक बहुत बड़ी अहमियत ना हो, अहमियत छोटी सी सही, लेकिन अगर उस पर इत्तेफाक हो जाए, मिल्लत मुत्तफिक हो जाए, हर आदमी कहे आज शबे मेराज है, आज हर आदमी कहे आज शबे मेराज है, आज शबे मेराज है, आज तो मेराज की रात है, आज तो बरकत वाली रात है, आज तो रहमत वाली रात है, तो अगर इख्तलाफ से मुसल्लम चीज का तायुन गायब हो जाता है तो इत्तेफाक से जो चीज मुसल्लम ना हो तो मुसल्लम हो जाती। यही है इस मिल्लत का राज।
इस मिल्लत में इत्तेफाक के नतीजे में बरकत बरसती है, नफाक के नतीजे में जो चीज़ इत्तेफाकी हो वो भी मख्फी कर दी जाती है, छुपा दी जाती है, जो दौलत देनी थी वो भी हटा दी गई कि ये लोग सही वारिस नहीं है, इसलिए कि विरासत के लिए इत्तेफाक शर्त है, विरासत के लिए इत्तेफाक शर्त है। अगर आप वारिस बनना चाहते हो तो एक हो जाओ, यकताई पैदा करो। इसीलिए हमारे सूफियाए किराम ने, मशायख इज़ाम ने इस बात का फैसला लिया कि जैसे 12 रबी अव्वल उम्मत का इजमाई अमल है, वैसे ही 27 रजब मेराज की रात इजमाई अमल है। हमारे यहां कोई शक शुबा नहीं, हमें कोई जरूरत भी नहीं था कि शक शुबे पर कोई बात करे, लेकिन बाज दफा बाज लोग अपने इल्मी झंडे को हिला हिला के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज तो कोई तय नहीं है और कोई इत्तेफाक नहीं है और कोई सबूत नहीं है और कोई सनद नहीं है। ये दरअसल सबूत और सनद के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, इनको इजमाए उम्मत खल रहा है, इनको इजमाए उम्मत से परेशानी है, इनको इत्तेफाक उम्मत से परेशानी है। ये नहीं चाहते हैं कि उम्मत मुत्तफिक रहे। यानी आज मेराज की रात है और इस पर 1400 बरस से उम्मत का इत्तेफाक है, एक मत है उम्मत, और आज की रात बरकत वाली रात है, यह भी कोई सबूत और दलील की जरूरत है? आज की रात बरकत वाली रात है, इसके लिए क्या चाहिए आपको? सीधे सीधे आपसे ये कहा जाए कि देखो ये मेराज की रात है और आज की रात बड़ी बरकत वाली है। अरे तो ऐसा तो शब कदर के बारे में कहा गया था, कहा गया तायुन आपका? शब कदर के बारे में तो सरी आयत मौजूद थी, तो तायुन है नहीं। तो रब के अलग अलग जलवे हैं, कहीं सबूत दे के तायुन हटा दिया जाता है और कहीं तायुन करके सबूत छिपा दिया जाता है, और कहा जाता है कि देखे तुम क्या करते हो। इस्लाम सरासर दानिश्वरी का मजहब है, इस्लाम सरासर अकल फहम बसारत और बसीरत का मजहब है। इस्लाम के फैसलों में, इस्लाम जो अपना फैसला करता है उस फैसले में तदब्बुर ताकुल और तफक्कुर की भरमार है। उम्मीद की जाती है कि जब कोई दारुल इफ्ता में अपना कलम उठाएगा, दारुल कजा में फैसला लेने के लिए अपने अकल और अपनी फहम का इस्तेमाल करेगा, तो वो पूरे तौर पर अपनी जहानत का इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा ना होता तो इन 1400 बरसों में पता नहीं कितने फैसले सबूत और सनद के बगैर फैसले से महरूम रह जाते। पूरी 1400 साल तारीख उठा के देख जाइए, पता नहीं कितने फैसले खुलफाए राशिदीन ने, मौला अली ने अपनी दानिश्वरी की बुनियाद पर किए, और वो दानिश्वरी कुरान और सुन्नत के नतीजे में पनपती है। एक चीज कुरान और सुन्नत के नतीजे में पनपती है। कुरान और सुन्नत जो बीज लगाता है वो अगर आपके यहां अकुरता नहीं है तो आपकी जमीन का कसूर है, आपके सलाहियत तवल्लुद का कसूर है, इसमें दुनिया क्या करे। आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से हमारे उलमा ने इन रातों की अहमियत को दोनों तरह से कबूल किया, कौली भी अमली भी, कौल भी है अमल भी है। और एक तरीका और है, एक तो हुआ कौल और अमल, और तीसरा तरीका वो है कि जो अहले दिल हैं, अहले नजर हैं, अहले हक हैं, अहलुल्लाह हैं, वो क्या करते हैं कि वो खुद भी महसूस करते हैं कि आज की रात में दूसरी रात से कुछ अंतर है या नहीं, कुछ फर्क है या नहीं।
और फिर अहलुल्लाह का इस बात पर इत्तेफाक होता है कि आज की रात में वो बात है जो दूसरी रात में नहीं है, और आज की रात का मर्तबा अलग है, आज की रात का मुकाम अलग है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि रजब के महीने को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला महीना, बुजुर्गी वाला महीना क्यों बनाया? कोई तो हिकमत होगी। आखिर चार महीने हिकमत वाले बनाए गए, उनमें से तीन महीने की हिकमत समझ में आ गई कि वो हज से करीब है, हज वाला है, तो हुर्मत वाला लड़ाई नहीं होगी, दंगा नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, अमन रहेगा, चैन रहेगा, सब लोग अपने काउज में, अपने काज में, अपने मकसद में संजीदा रहेंगे और सब लोग मिलके इबादत का माहौल बनाएंगे। तो ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम ये लगातार आया और हुर्मत वाला, बुजुर्गी वाला महीना है, तो रजब क्यों हुर्मत वाला है? अकेले आया, अकेला महीना रजब है जो उस तीन महीने के पैरेलल है। तो आखिर रजब की हिकमत क्या है? क्यों रजब को हुर्मत वाला बना दिया गया? जब इस पर आप गौर करेंगे तो हो सकता है कि आपके दिल में भी अहलुल्लाह की नज़र जहां तक गई है, आपकी नज़र भी उनके तुफैल वहां तक पहुंच जाए कि अहलुल्लाह कहते हैं कि अजब नहीं कि मेराज की वजह से इस महीने को हुर्मत वाला बनाया गया। इस रात में मेराज होनी थी, इस रात में मेराज का मामला होना था, इसीलिए इसको हुर्मत वाला बना दिया गया कि ये मेराज का महीना है, इसको हुर्मत से मालामाल कर दिया जाए ताकि ये पता चल सके कि मेराज ऐसा वाकया है कि जो होगा तो बाद में, अभी हुआ नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के पहले से रजब मक्के में, अरब में, दीन इब्राहिमी में इसकी अहमियत बता दी गई। अहमियत, 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 किसी को ये नहीं मालूम कि अहमियत है क्यों। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई सूरज के तुलू होने से पहले उसकी सफेदी देख लेता है। ये जो हुर्मत वाला महीना है, इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक मेराज से है, और मेराज इतना अजीम वाकया है, इतना जलील वाकया है कि इस वाके में अंबिया की इज्जत भी पोशीदा है और मुसलमानों की इज्जत व हुर्मत भी पोशीदा है और इंसानों का उरूज व तरक्की भी पोशीदा है। मैं एक इशारा करता हूं, हर नबी, जितने भी नबी आए, 125,000 नबी, ये सारे नबी अपने दौर को क़यादत बख्शते हैं। नबी हमेशा आगे होता है, मस्जिद के इमाम की तरह नहीं कि मस्जिद का इमाम आगे होता है, मुख्तदी पीछे होता है। कभी कभी मुख्तदी में इमाम से भी बड़ा आदमी होता है बाद में आया। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि मौज़िन साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और इमाम साहब बाद में आए, नमाज में शामिल हो गए। नहीं, नबी जानते कैसे आगे होता है। नबी अपनी हकीकत से भी आगे होता है, अपनी क्वालिटी से भी आगे होता है, और अपनी, अपने इल्म, अपने रसूख इल्म, अपने फहम और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर भी वो आगे होता है। उम्मत उसके पीछे चलती है। बाज दफा तो उम्मत समझ नहीं पाती कि नबी कितना आगे है। वक्त लगता है नबी की हकीकत को समझने में। कल के दिन जब ईसा अलैहिस्सलाम ने आंखों को छू के नाबीना को बीना कर दिया, अंधे को रोशनी आ गई, तो कौन सी उम्मत थी जो समझ सकी? वक्त लगा। आज जाके आप समझ रहे हैं कि नबी जो मौजज़ा लाए थे, उसी मौजज़े की का एक जर्रा है कि आप आंखों का इलाज करके अंधे को भी रोशनी बख्श पा रहे हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम हो गया। ये गोया नबी बताने आए थे कि हम वो चीज़ ले आए हैं जिसके नतीजे में एक दिन तुम भी टाटा और
जैसी कंपनियां खोलोगे और जैसा चाहोगे छड़ बनाओगे और लोहे को गलाओगे और जिस शक्ल में चाहोगे लोहे का साँचा बना लोगे। ये नबी के आगे होने की दलील है। सारे नबी आगे होते हैं और सबसे आगे हमारे नबी आका मौला सरवर कायनात सैयद कुल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिन्होंने अपने मौजज़ात से ये साबित कर दिया कि सारे नबियों का मौजज़ा अर्जी था, जमीनी था। अब एक ऐसा मौजज़ा लेके नबी आया है कि ऐ जमीन वालों, आसमान पर भी तुम्हारी रफ्तार तेज होनी चाहिए। तो जमाना जब आसमान पर जाएगा तो उससे पहले नबी आसमान पर जाएगा, और नबी जब आसमान की तरफ जाएगा तो वो इशारा देगा कि तैयार रहो, अब तुम्हारी मंजिल है, हम आसमान को मुसख़र करके आ रहे हैं, मेरी तस्खीर के नक्शे कदम को देखते हुए तुम भी पीछे पीछे चल पड़ो। और गया जमाना, गया और जा रहा है, आगे बढ़ेगा। अफसोस ये है कि जमाना तो चला गया, हम तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हुजूर खुद गए थे कि ख्वाब में गए थे। इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती कि एक तरफ मेराज को समझने वाला रोशनी की रफ्तार की बात कर रहा है कि नूर की रफ्तार क्या होगी, आवाज की रफ्तार क्या होगी। अभी आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स पढ़ने वाला लाइट की स्पीड देख रहा है और दूसरी तरफ वो साउंड की स्पीड देख रहा है कि आवाज, बिजली जो आसमान में कड़की तो चमक पहले दिखाई दे गई, बाद में कड़क सुनाई दी। मेराज ने ये सवालात कायम कर दिए थे कि जब नबी गए और वापस पलटे तो वक्त वही था, वक्त में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। उस वक्त मुमकिन है कि किसी अहले नज़र ने इस राज को कुछ समझा होगा। आज तो साइंस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर कोई कहीं जाने में, कहीं निकलने में अगर लाइट की रफ्तार से जाता है और लाइट की रफ्तार से भी आगे बढ़ जाता है तो फिर टाइम की स्पीड उसके आगे रुक जाती है, और वो जितने देर में पलट के आएगा वो अपना काम मुकम्मल करेगा तो जमाना रुका रहेगा, इसलिए कि जमाने की स्पीड से वो आगे बढ़ गया है, वो तो रफ्तारे नूर से गया है। ये मेराज है। मेराज ने बशरी तरक्की के इतने दरवाजे खोले और बशरी उरूज के इतने झंडे फहरा दिए कि आज की सारी तरक्की मेराज का धोवन है, मेराज के निशान कदम का उतरन है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जिस लेवल के हैं उसी लेवल में आज के रात से फायदा उठाएं, आज के रात का सदका हासिल करें, आज के रात की बरकतें हासिल करें। अजान दिल वालों, आज के रात की अजमतें हासिल करें, और हमें यह महसूस होना चाहिए कि आज की रात में जो बरकत और रहमत है उसको हम हासिल करें। उसके हासिल करने का तरीका यह है कि आज की रात के बाबरकत होने पर यकीन रखा जाए, यकीन के नतीजे में भी बरकतें हासिल होती हैं, नीयत रखी जाए कि अल्लाह पाक आज की रात की बरकतों को हम अपने दामन में समेटने की नीयत रखते हैं। नीयत से अमल का दारोमदार है। एक आदमी नियत करे कि हम हज करेंगे, 10 रुपया निकाल के रखे कि हम पैसा बचावेंगे और हज करेंगे, अभी मुश्किल से 100, 150, 500, 1000, 10000 हुआ था कि दम निकल गया। पूरी मिल्लत इस्लामिया का ये मुत्तफ़िका फैसला है कि चूंकि उसने नियत कर ली थी उसको अल्लाह उम्मीद है कि हज का सवाब देगा। इसीलिए नियत हमारे यहाँ बड़ी अहमियत रखती है, और यही फायदा है कि हमारे औलिया अल्लाह ने, हमारे सूफियाए कराम ने अवाम को अपने साथ अच्छी नीयत के हमराह दीन तक पहुंचाया।